अस्सलामु अलैकुम माय डियर फेलोज, टुडे माय टॉपिक इज़ विंड एंड एयर। विंड मूविंग एयर होती है। अगर हम बाहर जाएं, ट्रीज के लीव्स हिल रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ विंड है। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे इर्द गिर्द होती है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। एयर को हम स्मेल भी नहीं कर सकते, जस्ट हम एयर को फील कर सकते हैं। वट इज़ एयर मेड ऑफ? एयर मेड ऑफ फ्रॉम डिफरेंट गैसेज। एटमोसफेयर में बहुत सी गैसेज होती हैं। 800 से 600 मिलीमीटर तक एटमोसफेयर मौजूद होती है, उसके ऊपर स्पेस टाइल हो जाती है। स्पेस एम्प्टी होती है, उसमें कोई गैस नहीं होती। व्हाट कॉजेज विंड? सन की शुआएं अर्थ पे पड़ती हैं। जो ऊपर वाली विंड होती है वो वार्म होकर लाइट एयर हो जाती है और वो ऊपर उड़ना शुरू कर देती है। जो कोल्ड एयर होती है वो उसकी जगह लेने के लिए आती हैं। अगर वो तेज़ी से जाएं तो हम उसको गेल कहेंगे। अगर वो नॉर्मल से जाएं तो हम उसको ब्रीज कहेंगे। कंप्रेस्ड एयर वो एयर होती है जो हम किसी चीज़ वो हवा जो हम किसी चीज़ में भरते हैं। कंप्रेस्ड एयर हमारे लिए यूज़फुल होती है। अगर हमने खेलना हमने फुटबॉल, वॉलीबॉल, टायर्स, इसमें कंप्रेस्ड एयर होती है। थैंक्स।